Hi friends, welcome back. Switzerland bans hijab. Pakistanis, Islam is in danger. अच्छा, Switzerland ने ban कर दिया है? We'll have to see. France ने किया हुआ है ना कि नहीं किया हुआ, कि बोल रहे थे करेंगे, मुझे पता नहीं है. France मेरे को तो लगा था कि कुछ countries कोशिश कर रही थी. Yes. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. देख लो, हर देश में ये प्रॉब्लम हो रही है. इंडिया में भी प्रॉब्लम हुई थी, याद है जब कितना न्यूज में आया था वो लड़की एग्जाम्स के टाइम जब उसको मना किया तो उसको कितनी तकलीफ हो रही थी. एक वो न्यूज थी. नहीं हो पाएगा इंडिया में भी हुआ क्यों? अगर यहाँ पे इंडिया में इस टाइप के चीजें नहीं हो पाएंगी, बैन वगैरह देखते हैं. अगर यहाँ हो जाए और तो फिर इंडिया को भी होगा कि भैया हम भी इसी तरह से कर सकते हैं. तो मैं तो एक बार यहाँ शुरू हो जाए तो फिर कैसे कोई बोल सकता है कि नहीं भैया इस देश में नहीं हो सकता. जहाँ जहाँ सेक्युलर कंट्रीज है वो सब कर सकती हैं. मैं बताऊंगा, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन 2%, 1%, 3%. It's not about population. India में जो है 18% है. It's about the rules. Everything should be similar. अगर किसी चीज की वजह से कोई misuse हो रहा है या उसको use करके आप जैसे exams के time cheating कर लेते हो, फलाना ठमकाना कर लेते हो, तो वो होना चाहिए कि भैया schools के अंदर this is not allowed या exams के time it is not allowed. Rules are rules. तो चलो video शुरू करते हैं. को बताएं, स्विट्जरलैंड में खावतीन के बुरखा पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है. 2025 से यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है. मुझे तो ने पहना. स्विट्जरलैंड ने खावतीन के बुरखा पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर. तो बुरखा बोल रहे हैं. फेडरल काउंसिल ने बयान जारी किया है कि हमने बुरखा पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने का ऐलान कर रहे हैं. इनके इस बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुरखा पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है. लेकिन हिजाब कुरान में भी आया है कि हिजाब करना चाहिए वुमेन्स को, लेकिन ये नहीं आया को. अगर हिजाब तो उसको जान से मार दो. इंतहा पसंद तालिबान के साथ साथ मध्य प्रदेश के इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगने लगे हैं. वजीर तालीम का ये कहना है कि हिजाब तुम पहनो ना, तुम क्यों नहीं पहन रही हो फिर. चाहिए जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने. मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुरका नहीं ओढ़ सकेंगी. बयान के मुताबिक इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी. स्विट्जरलैंड के अंदर 2021 से एक बात चल रही थी कि वहाँ पर बुरखे और अबाए हिजाब निकाब को हर तरह से वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस चीज की श्योरिटी दी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहाँ पर बुरखा हिजाब नहीं कर सकती. हाँ, जो करेगी उसको $1,144 का फाइन देना पड़ेगा. उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आजादी से रहें. आप हिजाब करें, बुरखा पहनें, सड़कों में नमाजें पढ़ें. ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तनहा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है. अबे वो किरण खान जी, हिजाब ताकत है. अबे तुम्हारे इस टेंट से ये पहना नहीं चलता कि उस टेंट के उस तंबू के अंदर सलमा है या सलीम है. और सोशल मीडिया पर कितने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये कभी कपड़े चुराती हुई मिलेंगी, कभी राशन चुराती हुई मिलेंगी, हमेशा उल्टे सीधे काम करते हुए मिलेंगे. और मैं तो बोलती हूँ हमारे देश में भी पूरे तरीके से इस टेंट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आधे आतंकवादी तो ये टेंट पहनकर ही घुस जाते हैं. आदमी पहन के घूम रहे हो, गन गुन छुपाई हो, कैसे पता चलेगा कि हम मर्द है, औरत ये होती है. लेकिन जब भी इनको ये करना चाहिए, अगर स्विट्जरलैंड ने कर दिया तो चीजें या आतंकवाद करना होता है, जिहाद करना होता है, तो ये खुद औरत के लिबास में घुस जाते हैं. लोगों को पता ही नहीं चलता कि मर्द भी वुमन कार्ड खेलते हैं और फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी. बात बताए, आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ, अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए आपको बुरखे के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे. आप मानोगे? आप मानोगे? मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती. इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठी. आज के तो रोज ही बैठना, रोज बैठो, रोज. किसी भी मुल्क में कुछ बैन हो रहा हो, कुछ चालू हो रहा हो, आग लग रही हो, कुछ भी हो, हमारा पड़ोसी नजर बट्टू मुल्क पाकिस्तान, उसको बड़ी खुजली हो जाती है. वो हर उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेता है, तो ये भी ले लिया. आइए देखते हैं. देखिए उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं,
वो इसके पीछे भी कोई इनकी कोई हिस्ट्री कोई फिलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है हम 21वीं सदी में आ गए हैं, एक ही बंदे को अफेक्ट करता है दूसरे को नहीं। पाकिस्तान है, यूके नहीं है। यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान में कोविड चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं जरूर कहूंगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहे। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्जरलैंड ने उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अबाय हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आजादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देखिए उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री उनके कैमराज होते हैं, कोई इलीगल बंदा मुंह छुपा के इस बहाने में से आ जाए। जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने सिपा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल उनको नजरसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई सब ने मुंह ढके हैं उनके लिए, दिखाना नहीं चाहती अपनी शक्लें, मतलब कोविड है नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ बंदों को कोविड इफेक्ट कर रहा है, दूसरों को नहीं कर रहा। इसने नहीं तो मुंह छुपाया, इसको नहीं करता, ये इम्यून है। मोस्टली पाकिस्तान भी तो होंगे, मतलब पाकिस्तानीज भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। अगर उनको एक चीज के साथ बाउंड कर दिया जाएगा तो आई थिंक तुमने पाकिस्तान में क्या किया है। उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियां निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक जिंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है। अब इनकी एक चीज यहाँ पर नहीं चलेगी, उन्होंने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों में अपनी होली प्लेसेस में इबादत गाहों में जहाँ पर भी जाए वहाँ हिजाब और नकाब कर सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, सेहत की कोई इशू है तो तब भी हिजाब कर सकती है, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको हमारा कल्चर ही फॉलो करना होगा। ठीक है, जिस कंट्री में उसके हिसाब से रहोगे ना, फिर इस तरह नहीं जाओ उस कंट्री में। नहीं काफी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए। तुम्हारे कंट्री में कौन से फॉरेनर आते हैं कि हमारा लो लेकर आओ? नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, आप हमारे फॉरेनर आते हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। नहीं, कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज आ जाती है, रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़े। बेटा बच्चों ने तुम्हें यही बताया, रिलीजन को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी हरकतें दुरुस्त करनी है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स टू। जब आप वहां जाकर इस तरह से बार बार रैलीज निकालोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, वहां इंतशार फैलाओगे, देखिए दीन को किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, दीन में जबर नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर इस तरह की रैलीज निकाल रहे हैं जिसके बाद वो मजबूरन इस तरह के फैसले ले रहे हैं। ऑब्वियसली मुस्लिम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो उनका रिलीजन है, दे नीड टू एक्सेप्ट, मतलब उनको जिस तरह से सही लगता है वो वैसे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहे, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहे, एंड दैट्स इट। क्या इस्लामोफोबिया किया कर जाएगा? क्या इस्लामोफोबिया रियल है? यस आई थिंक सो। कैसे कैसे? मतलब हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें, एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान के अंदर भी कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, इस्लामोफोबिया क्या होता है, ये थोड़ी होता है सब। वो इसी चीज़ पे एम्फसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं लिया हुआ, इसने वाया नहीं लिया हुआ, तो आई थिंक सो इस लिहाज से जिसने हिजाब नहीं लिया हुआ भाई उसको तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसने हिजाब लिया हुआ उसको भी समझते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर मुसलमान बड़े परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई हमारा लॉ तोड़ेगा तो वो $1,144 एज अ फाइन देंगे। तो मत छुड़ाए सेना, अब क्या करेंगे वहाँ के मुसलमान? उनको वापस आ जाना चाहिए, यहाँ पे हरकतें दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि जो जिस तरह से वहाँ पे रहना चाहता है, आप किसी को मतलब वो फोर्स ना करो कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करें एंड ऑल दैट। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहो, उनको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहने दो और पीस मेंटेन कर रहे।
पाकिस्तान में रहते हुए कट्टर पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने देश में भाई हाँ तुम पीसफुली हमारे साथ रहो, हम तुम अपना रिलीजन फॉलो करो, हम अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान किस लिए बनाया उनको ये नहीं पता, क्योंकि वो मिलजुल कर रहना नहीं चाहते थे, उनको अपनी कंट्री चाहिए थी जिसको उन्होंने इस्लामिस्ट कंट्री बोलना था। ये चले दुनिया को सिखाने कि कैसे मिलजुल कर रहना है, पहले अपना तो सीख लो, अपने देश को तो करा लो, पहले तो एक सेक्युलर कंट्री बनके तो दिखाओ, फिर बात करो, फिर प्रीचिंग करो दूसरी कंट्री की। चले हैं भैया, स्विट्जरलैंड ने तो कमाल कर दिया, मैं तो सुन के हैरान हूँ। हाँ ये कंफर्म करना पड़ेगा, वो तो कमाल हो जाएगा, पूरा रीड करना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस में हम नहीं आ सकते, वी हैव टू सी। आपको अगर रिलीजियस अपनी रिलीजियस प्लेस में जाके ये सब करना है तो यो ठीक है, पर पब्लिक प्लेस में नहीं करना। और बात भी ठीक है, आजकल जो जब कुछ गलत होता है तो आपके पास टेक्नोलॉजी, जगह जगह कैमराज हैं जिससे आप फेशियल रिकॉग्निशन करके आप पता कर पाते हो कि भैया ये फलाने बंदा जो है ये कोई आया है, गड़बड़ है, या ये टेररिस्ट है, या फलाना है, ठमकाना है। अब अगर यहाँ पे तुम बुरके पहन के वो यूज कर ले, उसका तो फेशियल रिकॉग्निशन ही नहीं होगा, वो तो सबसे पहले इसी का फायदा उठाएगा। हाँ, तो ये सब चीजें जो है रीजंस हैं, फेशियल कवर, कवरिंग्स नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि भैया नहीं तो मिसयूज कर करके होंगे ऐसे इंसिडेंट्स, आप कवर नहीं कर सकते फेस को, ऐसा रूल होगा ताकि हेल्प हो का भैया उस वजह से उन्होंने किया। और वैसे भी भैया आप जिस कंट्री में हो, जब सबके साथ रहने, अगर तुमको इतने ही वो हो उस टाइप के, तो फिर तुम अपनी कंट्री में ही रहो, बाहर आने की, दूसरे देश में आने की क्या जरूरत थी तुम्हें। हुड पहन के चले जाओ, हुडी पहन के चले जाओ, आई डोंट नो। और इन सबको देखा था, ये मास्क पहन के बैठी हुई थी, भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ इन सब ने मास्क क्यों पहने हुए थे, कोविड तो जा चुका है, कब का जा चुका है। तो चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।